वेलकम टू माई चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे शादियों वाला जर्दा यानी देगी जर्दा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शादियों वाला देगी जर्दा बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले हम चावलों को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हमने खुले मुंह वाली देचकी में पानी ऐड कर दिया है। 3 से 4 अदद लौंग ऐड करेंगे, 2 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और चंद कतरे हम विनीगर के ऐड करेंगे ताकि चावल हमारे खिले खिले बने और शाइनी बने। 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा फिर हम चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने सेला राइस लिए हैं। सेला राइस को हमेशा 1 से 2 घंटे के लिए पहले भिगो देते होते हैं। 500 ग्राम मैंने लिए। आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। चावलों को हम 80% बॉयल करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और फीडबैक दिया करें। जो अच्छे अच्छे कमेंट करेगा उसका मैं नाम लूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चावलों को हमने 80% बॉयल कर दिया है। अब पानी ड्रेन कर देंगे। अच्छी अच्छी फीडबैक दिया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। ऑडियंस में से हो या मेरे व्यूअर्स में से हो या कोई चैनल वाला हो उसका मैं नाम ज़रूर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और मैं ख़ुद चूज़ करूँगी उसका काम देख के। चावलों को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब दूसरी तरफ शीरा रेडी करेंगे। 1/2 कप हम ऑयल ऐड करेंगे। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं घी में भी। 2 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे, बादाम पिस्ता काजू ऐड करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे ऑयल में ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। नारियल ऐड करेंगे, ऑरेंज के छिलके ऐड करेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है जर्दे में। किशमिश ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट आपने भूनना है। इस तरह अगर हम थोड़ा सा भून लेते हैं तो ड्राई फ्रूट की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है जर्दे में। सेम शादियों वाला जर्दा बनेगा और फ्लेवर भी बहुत वैसा ही होगा। आप अगर ट्राई करेंगे तो मुझे आपने फीडबैक देना है कि आपका जर्दा कैसा बना। अब इसमें हम 500 ग्राम चीनी ऐड करेंगे उसी ऑयल में। ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके निकाल लिए हैं थोड़े से भून के। 1/4 कप हमने पानी ऐड कर दिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर 500 ग्राम चीनी है तो उसके हिसाब से आप 400 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मोस्टली तो इसमें बराबर चीनी ही ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस भी ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और शीरा पकाएंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। अब शीरे में हम चावल ऐड करेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। दाव तो मैं बनाएं, बच्चों को घर में बना के दें, बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। और लास्ट में हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे जिसकी खुशबू लाजवाब होगी। इसको हम गार्निश करेंगे। 1 से 2 मिनट हम अच्छे से पकाएंगे। जैसे हमारा शीरा खुशक होगा फिर हम दम लगाएंगे। देखिए शीरा हमारा खुशक होना शुरू हो गया है। अब ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे जो हमने ऑयल में भून लिए थे। इसकी बहुत ही सौंधी खुशबू आ रही है। चंद कतरे केवड़ा के ऐड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादियों वाला जर्दा बना रहे हैं तो उसमें केवड़ा ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसके बगैर मीठों की मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है कि आप शादियों वाला जर्दा इस तरीके से बनाएं, क्योंकि वो लगेगा ही नहीं कि शादियों वाला जर्दा है। उसमें अक्सर केवड़ा वगैरह की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। मैं तो अक्सर मिठाइयों में केवड़ा और इलायची का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। दम लगा दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब बादाम पिस्ता और नारियल जो हमने भून लिया था वो ऐड करें, गार्निश करेंगे। अच्छे
कुल्फियाँ ऐड करेंगे। मिठाई से गार्निश करेंगे, साथ चांदी के वर्क से गार्निश करेंगे। ये कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। दम आपने लगाना है लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट। तवे का दम दे दें या पतरी का, लोहे की पतरी होती है अक्सर घरों में, उसका दम दे दें। लास्ट में मैंने देखे चमचम से गुलाब जामुन से गार्निश किया है, साथ हम मोतीचूर का लड्डू भी स्प्रेड कर देंगे और खोए से गार्निश करेंगे। होममेड मैंने खोया बना लिया था पाउडर मिल्क के अंदर, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने पाउडर मिल्क लिया था और 2 टेबलस्पून उसमें मैंने पानी ऐड करके थोड़ा सा चंद कतरे ऑयल के ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये खोया इस तरह रेडी हो जाता है झटपट। ये आप साथ सर्व करें, गार्निश करें इसके साथ। अगर आपके पास खोया ऑलरेडी मौजूद है तो वो वाला ऐड कर दें। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया शादियों वाले जर्दे का। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ईट मोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।